हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मृदास क्विज़िन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए चिकन निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे सब बोलते तो है कि निहारी की रेसिपी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं आप सबके लिए बहुत ही इंस्टेंट और ईजी सा तरीका लेके आई हूँ, जो कि देखने और खाने दोनों में बहुत ही लाजवाब सा लगता है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, खाने वाले आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं और बार बार खाने के लिए इच्छा करेंगे। तो मेरा ये तरीका जानने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमारे इन्ग्रीडियंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमें चाहिए धनिया का पत्ता, कुछ कटे हुए अदरक, लेमन स्लाइसेस, फ्राइड ऑनियंस और चिलीज, मैदा 3 टेबलस्पून, बेसन 3 टेबलस्पून, रेडीमेड निहारी मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्राइड ऑनियन पेस्ट और टमाटोज, और हमें चाहिए होगा कुछ फ्राइड ऑनियंस। पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम मैदा 3 टेबलस्पून और बेसन 3 टेबलस्पून, इन दोनों को अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम अपना फ्लेम ऑफ कर लेंगे और एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। साइड में हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल ले लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हीट हो जाए उसके बाद हम लेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा चम्मच चला लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 किलो चिकन। चिकन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम ऐसे ही चम्मच चलाते रहेंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हम अब ऐड करेंगे टमेटोज, उसी के साथ हम ऐड करेंगे फ्राइड ऑनियन का पेस्ट। इन सारे चीजों को अब हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अभी हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 to 2 टेबलस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टेबलस्पून और कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून। अब इन सारे चीजों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अभी हम थोड़ा सा ढक्कन लगाकर ऑयल सेपरेट होने का वेट करेंगे। 5 मिनट अब हो चुके हैं। अब ढक्कन हटाकर हम देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑयल अभी सेपरेट होने लगा है। अभी हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है उसे अब ऐड करेंगे, जो है निहारी मसाला। इसे अब मिला के हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। 2-4 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक्कन लगा के अच्छे से भूनने देंगे। अब हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अभी हम ऐड करेंगे 2 कप्स वाटर, थोड़ा सा मिला लेंगे। उसके बाद लीड लगा के हाई फ्लेम में 1 व्हिसल आने तक वेट करेंगे। तब तक हम ड्राई रोस्ट किया हुआ मैदा और बेसन में पानी ऐड कर लेंगे और लिक्विड सा कंसिस्टेंसी बना लेंगे। हाई फ्लेम में 1 व्हिसल आने के बाद मैंने फ्लेम को लो करके उसे कुछ टाइम के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑयल जो है एक बाउल में हम निकाल लेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट हम जो मैदा और बेसन का घोल डालेंगे उसमें ऑयल और मसाला दोनों ही सूख जाएगा। तो अभी हम ऐड करेंगे मैदा और बेसन का लिक्विड मिक्सचर, उसे अब हम कंटिन्यूसली स्टियर करेंगे, नहीं तो उसमें गुठले आ जाएंगे। ये देखिए, मैंने जैसे बताया था, ये डालने के बाद मसाला और तेल
दोनों ही सूख गए हैं। अब हम इसे एक उबाल आने तक ऐसे ही ढक के कुछ टाइम के लिए पकाएंगे। एक उबाल आ चुका है, अब देख सकते हैं कि कितना ही टेस्टी लग रहा है। अब चलिए इसको सर्व करते हैं। इसका सर्व करने का भी एक अलग ही तरीका है। पहले हम चिकन पीसेस को एक प्लेट में निकाल लेंगे, उसके बाद ग्रेवी को उसके चारों ओर डाल देंगे। उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा ऑयल साइड में रख दिया था ग्रेवी के ऊपर, उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हम गार्निश करेंगे कुछ धनिया के पत्तों के साथ। इसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ कटे हुए ग्रीन चिलीज। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे कुछ फ्राइड ऑनियंस और कुछ अदरक के पतले पतले स्लाइसेस, और साइड में 2 लेमन स्लाइसेस के साथ हमारा सर्विंग ट्रे अभी रेडी हो चुका है। आप इस चिकन निहारे को तंदूरी रोटी, नान, राइस किसी के साथ भी कम्बो करके खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार की लगती है। तो मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।